वेलकम स्टूडेंट्स इन द सेशन ऑफ सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ आईजीयू 2019। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईजीयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो 2019 में क्वेश्चन पेपर आया था उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चंस क्या आए थे। यस स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो कंपलसरी क्वेश्चन आता है। तो कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए, जो स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, आप उसका दूसरा नाम बोल सकते हैं कायरल सेंटर भी, कायरल सेंटर। अब आपके लिए ये बताना ज्यादा इजी रहेगा कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है। कायरल का मतलब क्या होता है, कायरल का मतलब होता है कि कार्बन हैविंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स, कार्बन हैविंग फोर डिफरेंट ग्रुप। ऐसा कार्बन जिसके ऊपर लगने वाले चारों ग्रुप्स क्या हैं आपके पास, डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं आपके पास ब्यूटेनॉल लेती हूँ, ठीक है, मैं आपके पास क्या लेती हूँ, ट्यू ब्यूटेनॉल। तो यदि ट्यू ब्यूटेनॉल के स्ट्रक्चर में ड्रा करूं तो आपके पास किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ होती है, लाइक दिस। सी एस थ्री सेकेंड पोजिशन के ऊपर ओ एच ग्रुप है, देन आपके पास सी एस थ्री सी एस सी एस सी एस टू सी एस थ्री एंड हियर एच। तो देखिए हम किस कार्बन को देखेंगे, हम इस कार्बन को देख रहे हैं। ठीक है, ये जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कायरल सेंटर भी। ठीक है, जिसके ऊपर लगने वाले जो चारों ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो फोर ग्रुप्स यहाँ पर लगे हुए हैं, कौन कौन से ग्रुप, सी एस थ्री, अनदर वन ओ एच, अनदर वन इज इथाइल ग्रुप एंड अनदर वन इज एच। तो चारों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट ग्रुप है, तो ये आपके पास क्या हो गया, कायरल सेंटर। तो आप स्टीरियोजेनिक सेंटर की जो डेफिनेशन है उसको आप क्या लिख सकते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर की डेफिनेशन आप लिखेंगे कि व्हेन फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड, और ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ए कार्बन एटम, अटैच्ड टू ए कार्बन एटम, attached to a carbon atom, it is known as asymmetric, it is known as asymmetric, or we can say chiral carbon, or chiral कार्बन जिसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कायरल कार्बन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऑल्सो नोन एज स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ये है आपके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर। इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी कार्बन एटम लीजिए, उसके ऊपर लगने वाले चारों ग्रुप्स क्या कर दीजिए, डिफरेंट कर दीजिए। सपोज यदि ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, सी ग्रुप है एंड डी ग्रुप है, तो ये जो आपके पास कार्बन है ये क्या कहलाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट जो है उसमें पूछा गया है, मार्क द टर्शरी कार्बन एटम इन द फॉलोइंग एल्कीन। ठीक है, आपके पास एल्केन गिवन है, नोट एल्कीन हियर एल्केन। ठीक है, एल्केन गिवन है आपके पास, इसके अंदर से आपको टर्शरी कार्बन बताना है। टर्शरी कार्बन अब क्या होता है, देखिए जो टर्शरी कार्बन है जिसको आप थ्री डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, वो कार्बन क्या होता है कि वो कार्बन जो फर्दर किन्हीं थ्री कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, कार्बन एटम अटैच टू थ्री कार्बन एटम्स, थ्री कार्बन एटम्स डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली यदि थ्री कार्बन एटम से अटैच होता है तो वो क्या होता है, टर्शरी कार्बन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि एक सी एस थ्री लिखा है, देन आपके पास सी एच, देन अगेन सी एस थ्री, देन सी एस थ्री, देन अगेन सी एस, दिस इज सी एस टू, दिस इज CH2, then CH3, then CH3 and here CH3 and CH3। ठीक है, तो आप इसको जो है वो सिंपलीफाई फॉर्म में लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं
हियर एच। तो देखिए हमें कार्बन एटम देखने हैं। यदि आप फर्स्ट कार्बन को देखते हो, ये कार्बन यदि आप देखो तो ये नेक्स्ट किसने कितने कार्बन से अटैच है, ओनली एक कार्बन ऐसे अटैच है। यदि आप इस सेकंड कार्बन को देखो तो ये कितने कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है, मतलब थ्री कार्बन एटम से अटैच है। तो ये जो कार्बन आपके पास हुआ दिस वन, ठीक है, ये जो कार्बन एटम है वो कैसा कार्बन है आपके पास, 3 डिग्री कार्बन एटम्स, ठीक है। उससे नेक्स्ट यदि आप देखते हो, उससे नेक्स्ट कार्बन जो है आता है आपके पास वो ये आता है, ये कार्बन। यदि इस कार्बन को आप देखते हो तो फर्दर 2 कार्बन एटम से अटैच है, एक पीछे और एक आगे। उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो भी अगेन 2 कार्बन एटम से अटैच है। उससे नेक्स्ट जो कार्बन एटम ये है, ये अगेन यहाँ 4 कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो हमें टर्शरी कार्बन एटम चाहिए था, तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये जो सेकेंड कार्बन एटम यहाँ पर गिवन है वो, तो आपके पास क्या होगा, टर्शरी कार्बन एटम। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट जो है उसके अंदर आपसे पूछा है, नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर ऑफ रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर में डी और एल फॉर्म जो है मिक्स होती है, तो उसमें आपको क्या करना है, डी और एल फॉर्म को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेशन के लिए मेथड्स क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए मेनली जो हम मेथड यूज करते हैं वो फर्स्ट मेथड हम मेनली यूज करते हैं मैकेनिकल मेथड, ठीक है, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड जो है उस केस में अप्लाई करते हैं जब आपके पास जो एनेंशियोमर है, ठीक है, यदि वो वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, हैंड पीकिंग के थ्रू उन क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कब अप्लाई करते हैं, व्हेन एनेंशियोमर फॉर्म्स, व्हेन एनेंशियोमर फॉर्म्स दिस वन, व्हेन एनेंशियोमर एनेंशियोमर्स फॉर्म वेल डिफाइंड क्रिस्टल, वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स, ठीक है। तो मैकेनिकल मेथड में वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स एनेंशियोमर फॉर्म कर लेता है, तो हम क्या करते हैं, फोरशेप के थ्रू हैंड पिकिंग कर लेते हैं क्रिस्टल्स को और उनको सेपरेट कर लेते हैं। सेकेंड मेथड जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बायोकेमिकल मेथड। अब बायोकेमिकल मेथड क्या है, देखिए जो बायोकेमिकल मेथड है उसके अंदर हम मेनली करते क्या है, हमारे पास जो भी मिक्सचर होता है, ठीक है, उसके अंदर हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करवा देते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास ये कोई मिक्सचर था जिसके अंदर डी और एल फॉर्म पड़ी हुई है, तो हमने इसके अंदर क्या किया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करा दिए। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इनमें से किसी एक फॉर्म को क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। यदि कंज्यूम कर लेगा तो एक फॉर्म बच जाएगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए यदि डी और एल फॉर्म में से यदि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डी फॉर्म को कंज्यूम करेगा तो एल फॉर्म आप उससे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये था बायोकेमिकल मेथड। थर्ड मेथड जो आपके पास आता है दैट इज केमिकल मेथड, दैट इज केमिकल मेथड। तो देखिए जो केमिकल मेथड है उसके अंदर हम मेनली क्या करते हैं, जो भी रेसेमिक मिक्सचर आपके पास होता है, जो भी रेसेमिक मिक्सचर आपके पास होता है, फर्स्टली फर्स्ट का काम आपका क्या होता है, आप उसको कन्वर्ट कर देते हो मिक्सचर ऑफ डाइस्ट्रियो आइसोमर्स, कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, डाइस्टीरियो आइसोमर्स में कन्वर्ट कर देते हो। देन आप उसको ट्रीट करवाते हो किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ, ट्रीटेड विद, सेकेंड काम क्या है, ट्रीटेड विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसको ट्रीट करवाते हो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, ठीक है। तो जो आपके पास डाइस्ट्रियोमर्स होते हैं, सभी को पता है डाइस्ट्रियोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू आप डीएलएन फॉर्म को इजिली सेपरेट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड जो आपके पास है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। ये भी बायोकेमिकल मेथड की तरह ही, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए इसमें मेनली क्या होता है, आपके पास कोई एक अब्जॉर्बेंट होता है, ऑप्टिकली एक्टिव अब्जॉर्बेंट होता है। अब ये ऑप्टिकली एब्जॉर्बेंट करता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आप इनेंशियोमर डालते हो, रेसेमिक मिक्सचर जो इसको डालेंगे, तो ये किसी एक को सिलेक्ट कर लेता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाकी बचा जो दूसरा है वो आपको सेपरेट करके मिल जाता है, ठीक है। फिफ्थ मेथड जो है वो है काइनेटिक मेथड। अब काइनेटिक वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड होता है, रेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसको हम मेनली यूज करते हैं फॉर फंक्शनल ग्रुप्स।
फंक्शनल ग्रुप्स के लिए आप इसको यूज करते हैं। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि जो इन्हें जो भी आपके पास इंडिविजुअल इनोन्शियोमर है वो किस रेट से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हम इसमें रेट के हिसाब से क्या कर लेते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो मेनली आपके पास 5 मेथड है सेपरेशन के लिए, मैकेनिकल, बायोकेमिकल, केमिकल, क्रोमेटोग्राफी एंड काइनेटिक मेथड्स। ये थे आपके पास पार्ट फर्स्ट का सी पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का जो डी पार्ट है उसके अंदर आपसे पूछा गया है व्हाट आर वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं, तो जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, वीक मोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। आप इसको दूसरा नाम बोलते हैं वीक मोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, वीक मतलब कम, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, यदि वीक होता है तो उसे बोला जाता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब किस तरह के मॉलिक्यूल्स में ये होता है, आपके पास मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है तो वो मोस्टली आपके पास क्या दिखाता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज तक ही काम करता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्सेज होता है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो हम बोलते हैं कि आपके पास जो नोबल गैसेज होती है, ठीक है, नोबल गैसेज के अंदर क्या होता है आपके पास, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लाइक नियोन। ठीक है, या आप N2 के बीच में बात करते हैं, आप ऑक्सीजन गैसेज के, जो गैसेज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मोस्टली क्या पता, आपको पता है क्या होता है, वीक होता है, तो उस फोर्स को आप क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेनली आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में ये आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो सपोज कीजिए यदि ये एक मॉलिक्यूल है, यदि ये एक मॉलिक्यूल है और ये आपके पास क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक दूसरे को जिससे अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट फोर्स इज हियर वंडरवाल फोर्स, दैट इज वंडरवाल्स फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक पार्ट जो है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपको बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इन तीनों को अरेंज करना है। क्या क्या गिवन है, गिवन है एनपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। आइसोमर्स गिवन है आपके पास पेंटेन के। ठीक है, तो देखिए एनपेंटेन जो है उसकी स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो आपके पास क्या होता है, एनपेंटेन है, 5 कार्बन एटम्स है। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगे हैं आपके पास, हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, दिस इज एन पेंटेन, दिस वन इज द एन पेंटेन। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का क्या होता है, जब एक कार्बन एटम जो है वो क्या करे, सेकेंड पोजिशन के ऊपर आके लग जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, और ये आपके पास बनता है CH3। ठीक है, तो ये आपके पास CH3, ये अगेन CH3, ये यहाँ पर CH2 एंड यहाँ भी, सॉरी दिस वन इज CH3 नॉट CH2। नाउ नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या गिवन है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है नियोपेंटेन। ठीक है, नियोपेंटेन की जो स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर आपके पास क्या होती है, कार्बन एटम हैविंग 4 अनदर कार्बन एटम्स, CH3 CH3 एंड CH3। अब देखिए जब हम इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आता है वो आता है एनपेंटेन जो है उसका ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है आपके पास, आइसोपेंटेन से, आइसोपेंटेन से, और आइसोपेंटेन का ज्यादा होता है नियोपेंटेन से। ये इसका क्या होता है आपके पास, ऑर्डर होता है। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्या हुआ कि इनका ऑर्डर ये है, तो देखिए जब आप इन तीनों को देखते हैं तो इन तीनों के केसेस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेनली डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए एनपेंटेन के अंदर, एनपेंटेन जो है उसके अंदर क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से वहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, ज्यादा रहेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि ज्यादा है तो इसका मतलब कार्बन एटम क्या है, टाइटली बाउंडेड है। यदि टाइटली बाउंडेड है तो आपको बॉयल करते वक्त उनको यदि बॉयल करोगे तो बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो क्या होगा, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट पर वो क्या होंगे, बॉयल होंगे।
ठीक है। फर्दर आप ये भी बोल सकते हो कि यदि आपके पास नियो पेंटेन है तो नियो पेंटेन के केस में देखिए जो सरफेस एरिया है वो क्या है आपके पास स्मॉल है। यदि स्मॉल सरफेस एरिया है तो स्मॉल सरफेस एरिया के केस में जो है शेप जो है मोस्टली स्फेरिकल हो जाती है। ठीक है, तो जिस स्फेरिकल की वजह से यहाँ पे क्या हुआ डिक्रीज हुआ है आपके पास डिक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहाँ पर क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा आपके पास डिक्रीज होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा डिक्रीज होगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा आपके पास नियोपेंटेन का, उसके बाद उससे ज्यादा होगा आइसोपेंटेन का, उससे ज्यादा होगा आपके पास एन पेंटेन का। तो ऑर्डर आपके पास रहेगा एन पेंटेन ग्रेटर देन आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन ग्रेटर देन नियोपेंटेन।